अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं डॉक्टर जाकिर हूँ, ये हमारे मामा है। उनका इलाज तकरीबन 7 साल से मैं करते आ रहा था घर पर ही, क्योंकि ऑलरेडी हैदराबाद पूरे हॉस्पिटल फिर है, कहीं पर भी इलाज नहीं हुआ। तो अभी हमको मालूम था कि इनको ब्लड की कमी है, एनीमिया पेशेंट है। इनको हर महीना या 2 महीने में एक बार इंजेक्शन लगाना है। हर 2 महीने 3 महीने का इंजेक्शन लगाते हैं, फिर भी हमको जरिया नहीं मिला, उसका कम नहीं हुआ। बाद में से बाबा का नंबर मिला, हमको कॉन्टैक्ट मिला, बाबा का नाम अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिन में हमको शिफा मिली। और अभी ब्लड इंप्रूवमेंट भी अच्छा है, दम नहीं आ रहा पहले के जैसा। अभी बहुत कुछ फ़ायदा हुआ, इंशाल्लाह आगे भी और फ़ायदा होता बोल कम आ रहे हैं हम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का ख़ास फजल करम है कि हमारे पास ना सिर्फ जिन भूत शयातीन छुड़ाए जाते हैं, बल्कि हर लाइलाज बीमारियों का इलाज भी किया जाता है। जैसा कि अभी इनके पास ब्लड की कमी की वजह से तकरीबन पिछले कई महीनों से डॉक्टरों के पास इलाज मुआलजा करा रहे थे, और ये ख़ुद डॉक्टर हैं। इन्होंने अभी अभी जैसा कि आपके सामने बयान किया, इसी तरह से अभी जो क्या नाम है आपका, कपिल कुमार जी ये उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। इन्होंने भी नाम सुन करके फ़कीर का गुलबर्गा शरीफ आए। इनका क्या मसला है? कैंसर जिसे ख़तरनाक जो जानलेवा बीमारी है, मैं समझता हूँ दुनिया की सबसे ख़तरनाक बीमारी। इस बीमारी को लेकर के एक आशाओं का दीप जलाए हुए, एक उम्मीदों का चिराग लिए हुए फ़कीर के पास पहुँचे हैं। और अभी सिर्फ और सिर्फ 4 दिन हुआ है कि अल्लाह के फजल करम से कुछ चीज़ें खाने पीने लगे हैं। और इसी तरह से एक औरंगाबाद से, क्या नाम है आपका? सुमित्रा देवी। इनको क्या था, वो फरके के जैसा आता था, फरके के जैसा फिट्स की बीमारी थी। कितने सालों से इलाज चल रहे थे इनका? चार पाँच सालों से। अभी क्या फर्क पड़ा है मेरे पास आने के बाद से? अभी आने के बाद तो एक 20-25 दिन हो गया, अभी तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक कुछ भी नहीं प्रॉब्लम है अल्लाह के फजल करम से। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह का कलाम न सिर्फ भूत शैतान जिन जिन्नात भगाने के लिए है, बल्कि दुनिया के हर डॉक्टर जहाँ पे जवाब देते थे वहाँ पे ये इलम वहाँ से शुरू हो जाता है। बस यही दुआएं करते हैं अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए, और आप तमाम लोगों को शिफाए कामला आजला अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन।